ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مقامی رانا طیب برا اسلامی کیسٹ رانا برادری اسلامی کیسٹ سینٹر نیز مسجد قاری احمد انیس داول پور روڈ ملتان کے بیسویں سپارے سورت عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں پروردگار عالم نے سارے کلام پاک میں اپنی توحید وحدانیت خدا کی ذات بے مثل بے مثال اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے فنا نہیں
उसी ने अपनी कुदरत कामला से निजाम कायनात को पैदा फरमाया और सारे आलम के निजाम को वो खुद ही चलाता है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निजाम बनाए, वो किसी मामले में भी कभी भी न किसी का मोहताज था और न है। वो चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते ताज देकर के तख्ते शहनशाही पे बिठा दे, वो अगर चाहे तो बादशाह को उठाकर फांसी लगा दे, वो चाहे तो एक को इतना दे के संभाला ना जाए और वो चाहे तो एक को इतना तंग कर दे कि भूख की वजह से मौत आ जाए। बड़ी बेनियाज जात है उस मालिक और कदीर की। निजाम शमसी, निजाम कमरी, सितारों का निजाम, आसमानों का निजाम, दरिया और समंदरों का निजाम सारा वो खुद चलाता है। न कभी इलेक्शन होता है, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि समंदरों की चेयरमैनी फलां को मिलेगी, दरियाओं की चेयरमैनी फलां को मिलेगी। फरमाया लम यलिद वलम यूलद, बस मैं हूं और कोई नहीं। इसीलिए महबूब कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म नबूवत का ताज पहना करके भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, और इससे बढ़कर की क्या बदजानती होगी, पैदा करने वाले को भूल गए। आदमी के जिस्म का निजाम कौन बना सकता है? अब ये आंख है, बजाहिर आंख है, लेकिन बिजली की वायरिंग की तरह आंख से लेकर पांव के तल्ली तक एक निजाम चल रहा है। कान का निजाम है, नाक का निजाम है, हाथ का निजाम है, पैर का निजाम है, दिल और दिमाग का निजाम है। ये सारी की सारी चीजें वो नहीं बना सकता तो और कौन बनाने वाला है? इसीलिए फरमाया काली कमली वाले दुनिया में जाओ, मेरा नाम बुलंद करो, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बताओ कि खालिक को ना भूलो, मालिक को ना भूलो, परवरदिगार को ना भूलो, उस रब को ना भूलो जिसने ये सारा जहान बनाया। चुनाचे महबूब कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान फरमाया कि लोगों उसके सिवा कोई नहीं, फिर मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सब दुश्मन हो गए। एक मेरी बात समझ ले, आज जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा पढ़ना होता तो अबू जहल काफिर ना मरता, उतबा काफिर ना मरता, शैबा काफिर ना मरता, वलीद बिन मुगीरा काफिर ना मरता, उमैया बिन खलफ काफिर ना मरता, कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहते और बुतों की पूजा भी करते रहते, उनको आदत रवा भी मानते रहते, जिना भी करते रहते, शराब भी पीते रहते, सब कुछ करते, कलमा पढ़ते रहते, वो उनको सिर्फ ये बात समझ ना आई, बल्कि उनकी समझ ये थी कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से कह लिया उसको फिर सारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हुक्मों के ताबे बनाना पड़ेगा।
जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, जो चाहे खाए उसको इख्तियार नहीं। जिसने ये इकरार कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो मेरा रब है, वो मेरा परवरदिगार है, अब उसको इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे खाए, बकरी खाएगा, गाय का गोश्त खाएगा, भैंस का गोश्त खाएगा, मुर्गी का खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, सुअर नहीं खाएगा, उसे खुद इख्तियार नहीं है जो चाहे खाए। इसी तरह जिसने कलमा पढ़ा वो पीने में खुद मुख्तार नहीं कि जो चाहे पिए, पानी पिएगा, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, चाय पिएगा, शराब नहीं पिएगा, पेशाब नहीं पिएगा, हराम नहीं पिएगा, इख्तियार खत्म। जब खाने में हम मुख्तार नहीं, अपना इख्तियार नहीं रखते, पीने में हमें अपना इख्तियार नहीं, पहनने में हमें अपना इख्तियार नहीं, चलने फिरने में हमें अपना इख्तियार नहीं, अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। आज यही बात कुरान करीम ने तुम्हारे सामने रखी है। और भूले हुए मुसलमानों, खुदा का हम पर कितना बड़ा करम है कि सफेदारी हो जाती है, कब्र के करीब हो जाते हैं, अल्लाह पाक बार बार कुरान फिर सामने लाता है और मान जा, मान जा, अब भी मान जा, अब भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम, अहसिब अन्नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये ख्याल बन गया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोगों ने ये जाम कर लिया, क्या लोग ये बना बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, आशीबन्नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या अयुतरको अयकोलो आमल्ला, इतना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने से जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने से जहन्नम से बच जाएंगे, पुरुषराज का अज़ाब से बच जाएंगे, आमल्ला मैं मानता हूं। सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं, कुरान का मकसद ये है, अयुतरको अकोलू आमन्ना, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने पर छूट नहीं हो जाएगी कि साहब मैंने कुरान मान लिया, मैंने खुदा मान लिया, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लिया, मैंने खुदाई निजाम को मान लिया, और मान तो लिया, उस पर अमल तो कर। फरमाया बहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाते हैं मैं आजमा कर देखूंगा, अगर मास्टर को इम्तिहान लेने का इख्तियार है कि बच्चा फेल है या पास, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, तो फरमाया वलकद फतन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्नल्काज़िबीन। मैं खुदा भी इम्तिहान लूंगा, मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा, आमन्ना कौन सा जुबान से कहता है, कौन सा दिल से कहता है, आमन्ना मैंने मान लिया, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है और किसके खून के कतरे कतरे में बस गया। मैं आजमा कर देखूंगा, मैं ये पता करूंगा कि आमन्ना कहने वाले लोगों का हाल क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्रों को भी चाटा जा रहा है, उधर कलमा भी चल रहा है, उधर कब्र परस्ती भी हो रही है, बुत परस्ती भी हो रही है। अरे हिंदू अगर बुत की पूजा करे तो काफिर है, और मुसलमान 100 कब्रों की मिट्टी चाहते अब भी मुसलमान है।
جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جانسار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیصر و کسرا کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے، یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارا کو، کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے. چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، مالک کائنات کے حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی. صحابہ اکرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا، آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی، الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام، مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے. لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، آپ قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی، خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلے یا قرآن کے رستے پہ چلے؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا، کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا. پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر 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 کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے. میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے،
अब बेटा बाप का है या मां का है, सुनो मेरी बात, इस मां बाप को नाम रखने का इख्तियार तो है, लेकिन ऐसे नाम रखने की इजाजत नहीं जो मुसलमानों के खिलाफ हो। तुम तो अपने बच्चों का नाम रखने के बारे में भी इख्तियार नहीं रखते, हालांकि औलाद तुम्हारी है। तुम अपने बच्चों की परवरिश के बारे में भी खुद मुख्तार नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जब बच्चा पैदा हो सज्जे कान में अजान कहो और खब्बे कान में तकबीर कहो, ये साबित कर दो अजान तेरी हो गई, तकबीर तेरी हो गई। अब तेरी जिंदगी 50 बरस की हो, 100 साल की हो, बस इतना वक्फा रह गया कि तकबीर हो चुकी है, अल्लाह अकबर नियत बदलने की देर है। जाहिर बात है, लोग आजकल लिखे पर इतराज करते हैं कि हमारी समझ में बात नहीं आती, दीन नहीं समझ में आता, कुरान समझ में नहीं आता। अब बताओ ये अब बच्चे के कान में जो 3 दिन का बच्चा है उसके कान में जो अजान आ रही है इसका कोई बजाहिर फायदा है? जब 80 बरस का बूढ़ा अजान सुनकर मस्जिद में नहीं आता तो ये बच्चा बच्चा अजान सुन के क्या करेगा? जब लोग अजान सुनकर कंजरी का गाना बंद नहीं करते, अजान सुनकर बदमाश और बदकार औरतों के गाने और फौश बंद नहीं करते, दुकान नहीं छोड़ते, घर से उठकर अल्लाह के दरबार में बुलाए हुए नहीं आते, तो अब बताओ इस बच्चे के कान में अजान देने का क्या फायदा? जाहिर है कि यह बात कहनी पड़ेगी कि हुक्म है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसे पूरा करना पड़ेगा, बजाहिर फायदा नजर आए या ना आए। हम जाहिरी फायदे के पाबंद नहीं, जाहिरी फायदों के मफाद के हम पाबंदी नहीं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि हम लोग किसी बारे में भी इख्तियार नहीं रखते। सारा दिन पानी पियो, रोटी खाओ, लेकिन जब रोजा रख लोगे तब रोटी खाने गुनाह, पानी पीना गुनाह। यही बात मैं साबित करना चाहता हूं कि हम लोग इख्तियार में नहीं है, आजाद नहीं है जितना हमने अपने आप को आजाद समझा हुआ है। इसलिए अल्लाह पाक जिल्ले शानु फरमाते हैं, तबारक लदी बियदिहिल मुल्क, सारी बरकतें उसी के हाथ में है जिसका मुल्क में राज है, वहू आला कुल शैइन कदीर, हर चीज पे उसी का कब्जा, उसी की कुदरत, उसी की हिकमत, उसी का इल्म, उसी की बेनियादी चलेगी, किसी की बात नहीं चल सकती। अंबिया अलैहिस्सलाम को देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवी, एक पैगंबर और एक बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि हवा तक दौड़ाए फिरे, हवा तक दौड़ाए फिरती है सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सर पे ताजे नबूवत है, नीचे तख्ते शहंशाही है, हवा तख्त को उड़ाती है, जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते हैं हवा उतार देती है और जहां चाहते हैं हवा उड़ा कर ले जाती है, और पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद हैं, जिन ताबे, इंसान ताबे, परिंदे ताबे, चरिंदे ताबे। मकाम इतना ऊंचा, बादशाहत भी दे दी, नबूवत भी दे दी, पैगंबरी भी दे दी और इतनी बड़ी आजमत भी दे दी, और हाल यह है कि 99 बीवियों में से एक उंगल का बच्चा पैदा नहीं हुआ। देखिए उसकी बेनियाजी, बादशाह मैंने तुझे बना दिया, नबी मैंने तुझे बना दिया, हवा तख्त तेरा उड़ाए उड़ाए फिरेगी, पूरी दुनिया में तू फिरेगा, बादशाह तेरी, नबूवत तेरी,
رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا میری مرضی اولاد نہیں دیتا. نہیں لے گی تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا، ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا. لو کر دیکھو شام کو پتہ لگو ایسی گھڑی کا کیا ٹائم ہے، جب کوئی شوق ہوئے کٹ گننے. بڑا مشکل مقام ہے، دوڑ کے کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے. جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اور میری گھر والیوں میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں. امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی. کتنا خدا کا خوف ہے، کس قدر دل میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے کہ کسی حقدار کے دل میں بھی یہ بات نہ ہو جائے کہ میری باری ماری گئی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت لے لی، ساری ہماری ماں نے اجازت دے دی، بیماری کے دل میں، پریشانی کے دل میں، جہاں آپ کو سہولت ہو ہم بالکل اللہ مندی سے اجازت دیتے ہیں. حجرہ عائشہ میں قیام فرما لیا، اللہ نبی نے خدا کا خوف دکھایا، نبی نے خدا کا ڈر دکھایا، نبی نے اپنے دل میں ڈر فرمایا، اللہ پاک کو کچھ اور منظور ہے. کالے کملی والے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، یہ جو حجرہ عائشہ ہے، جس بستر میں تیری ساتھ عائشہ ہوتی ہے، مجھے اس حجرے سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اس کے مقابلے کی میرے پاس جنت بھی موجود نہیں. اس حجرے میں قیام فرماؤ، یہی حجرہ سب کچھ بنے گا، سب کچھ یہیں سے ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت، بالکل آخری آخری لمحات، تمام میری عائشہ مسواک لیا. مسواک لے آئی، فرمایا عائشہ، او میری عائشہ، اس کو نرم کر دے، اس کو نرم کر دے. اب بتاؤ، مرد کی منشا، مرد کی غرض اگر عورت نہیں سمجھتی تو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کہ لکڑی سے کوٹ کے لیا، کسی روڑے اینٹ سے کوٹ کے نرم کر کے لیا. پیغمبر کے فرمان کو عائشہ صدیقہ نے سمجھا، اپنے منہ مبارک میں مسواک کو چبا دیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اسے دھو کے لا. سمجھو، یہ نہیں فرمایا اسے دھو کے لا، بلکہ وہی لعاب
جو حضرت عائشہ کے منہ کا لگا ہوا تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں وہی مسواک فرمائی اور اس کے بعد کلی نہیں فرمائی. یہ ثابت کر دیا لوگوں عائشہ مجھے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ میں آخری وقت میں اس کے منہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں. تمام چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے. اور ایک اور بات سمجھو, تمہاری بھی تمنا ہے میری بھی تمنا ہے ہر مسلمان کی تمنا ہے, اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے. سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. جو اس آدمی مسجد میں کلی ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے, بھاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے. چیزیں اللہ پاک خود کرا رہا ہے. اور ایک اور بات سمجھو, تمہاری بھی تمنا ہے میری بھی تمنا ہے ہر مسلمان کی تمنا ہے, اللہ کرے آخری وقت اچھی جگہ آئے. سب کی تمنا ہے سجدے میں موت آئے. جو اس آدمی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا آرزو اس کی بھی ہے کہ سجدے میں موت آئے, بھاویں ساری عمر سجدہ نہ کرے. جو آدمی ساری زندگی خدا کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا قرآن کو آنکھ سے دیکھتا نہیں, تمنا اس کی بھی ہے کہ میری موت قرآن پڑھتے ہوئے کی آئے. سب کی تمنا ہے کہ میری اچھی جگہ موت آئے, کعبۃ اللہ میں موت آئے, مدینے پاک میں موت آئے, مسجد میں موت آئے, وضو کر کے موت آئے, اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں جب موت آئے. تم یہ تمنا کر سکتے ہو؟ تمہاری یہ حسرت ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء کی کوئی تمنا نہیں, کالی کملی والے کی بھی تو تمنا ہوگی. یا اللہ سب سے اچھی جگہ میری موت آئے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ ثابت کر دیا, میرے محبوب تیرے لیے حجرہ عائشہ سے اچھی جگہ آسمانوں پہ بھی نہیں, جنت میں نہیں. یہ جو عائشہ کا حجرہ ہے جہاں جبریل کے سلام آتے ہیں جہاں خدا کا قرآن نازل ہوتا ہے, اس سے اچھا کوئی ٹھکانہ نہیں. اور ایک اور بات سمجھو, آج کل بھی تجربہ کر لیں, باپ سے دھی کو بڑا پیار ہوتا ہے اور باپ کو بھی اپنی بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے. یوں ہی اگر منہ بنا دے بیٹی ابا کے سامنے اور اتنا سا لفظ کہہ دے ابا رونے کی شکل بنا کر, خدا گواہ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کیا ہوا بیٹی دیے کیے؟ وہ چپ کر بیٹھی. دس مہینوں ہویا کیے؟ چین نہیں آتا جب تک دھی سے پوچھ نہ لے. آخری وقت تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں موجود ہیں. اور لوگوں آج ہمیں باپ کو دنیا سے جاتا ہوا بیٹی دیکھ کر گوارا نہیں کر سکتی, تو فاطمہ الزہرا جس کا ابا کالی کملی والا ہو کیسے گوارا کرتی؟ خود حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر کی وفات کے بعد چھ مہینے فاطمہ الزہرا زندہ رہی, کسی نے ہستی ہوئی نہیں دیکھی. خود حضرت علی گواہ ہے, فرماتے ہیں چھ مہینے میں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ہر وقت رویا کرتی تھی, کبھی کہتی تھی اولو با تم نے کن ہاتھوں سے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی, تم نے کن ہاتھوں سے شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں رکھ دیا. ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں
कि मेरा ये अकीदा है कि जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में हुजूर की वफात हुई। आपकी वफात शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में हुई। तो खुदावंद करीम ने जिसने सारी कायनात का आपको सरदार बनाया, रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, साकी ये कौसर बनाया, साफी ये महशर बनाया, तमाम मुसलमानों का पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जगह हजरत आयशा सिद्दीका की गोद पसंद आ गई। इसलिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोगों तक पहुंचाने के लिए मार खाई। आज हम कलमा भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कलमा भी हो रहा है, रिश्वत भी चल रही है, कलमा भी पढ़ रहे हैं, लोगों की धी बेटियों के साथ बदकारी भी हो रही है, कलमा भी चल रहा है, शराब भी पी रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, सुअर भी खा रहे हैं। बताओ ये क्या कलमा है? किस काम आएगा कलमा? हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमाइन का यह आलम है, जिसने कलमा पढ़ा उसने पूरी जिंदगी एक सेकंड में बदल दी, एक सेकंड में बदल दी। जिस दिन शराब की हुरमत कुरान में आई, शराब का हराम होना कुरान में आया, सहाबा के घरों में भी थी, मुसलमानों के घरों में भी शराब थी, लेकिन जब शराब की हुरमत का हराम होने का कुरान ने ऐलान किया, मैं दावे से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मदीने में यहूदी भी थे, इधर उधर ईसाई भी थे, जो किसी सहाबी ने यह सोचा हो चलो हमारे लिए तो हराम है, इसके चार पैसे तो बना ले, यहूदियों को बेच दे, ईसाइयों को बेच दे, वो तो पाबंद नहीं, पैसे तो बनाए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि मदीने की गलियों में शराब का दरिया बह पड़ा, मस्के तोड़ दिए, सुराइये तोड़ दी, बोतलें मार मार के दीवारों में तोड़ दी। कुरान आया उसके बाद आखिरी दम तक किसी सहाबी ने पीना तो क्या, उस बर्तन को भी हाथ नहीं लगाया जिसमें शराब थी। आज हम तो अपने लिए मसला निकाल लेते हैं। अब ये जितने गरीब लोग हैं, फीम खाते रहते हैं, चरस पीते रहते हैं, हरियून खाते रहते हैं, और अपने आप को हर वक्त कहते हैं मैं गरीब हूं, कि हां मेरा हिसाब, कि हां मेरा आजाब, कहीं मेरी जन्नत, कि हां मेरा दोजख वंजना। अच्छा, तेरी खुदाई बही है? तमाम के तमाम ये ऐब गरीबों ने पकड़ लिए। इसलिए अल्लाह पाक जिल्ले शानु ने ऐलान कर दिया, फरमाया आसिबन्नास, क्या लोगों का ये गुमान है, आई उतरकू छोड़ दूंगा मैं, आई अकूलू आमल्ला, सिर्फ आमल्ला कहने पर छोड़ दिए जाएंगे, वहुम्ला युक्तनून, मैं आजमा कर देखूंगा कि ला इला इल्लल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी है कि नहीं, मेरे महबूब के सूरत के मुताबिक सूरत बनी कि नहीं, लिबास बना के नहीं, खाना पीना मेरे महबूब की इताअत करते हुए गुलामी में करता है या खुद मुख्तार होकर के करता है। अब एक सांस में पानी पी लेना, ये ईसाइयों की आदत है। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन सांस लेकर के पियो। अब पेट भी भर गया, पानी भी पेट में चला गया, और काली कमली वाले की गुलामी भी हो गई। फरमाया बिस्मिल्लाह करके पियो, दूसरी गुलामी हो गई। सज्जे हाथ से पियो, तीसरी गुलामी हो गई। खाना खाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। कई आदमी अगर एक बर्तन में खाएं तो अपने आगे से खाओ, ये नहीं कि आलू परली तरफ धकेलते जाओ, बोटियां बोटे उठा के खाते जाओ। तमाम
तमाम चीजें बताई हैं महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया खाने से पहले हाथ धो लो, गीले गीले हाथों से, सिन्ने सिन्ने हाथों से खाना खाओ, बरकत होगी। ये तो है नबी की सुन्नत। और ये भी फरमाया हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने, फरमाती हैं सुभान अल्लाह, हमारी मां ने हमें क्या क्या बताया कि अगर कई आदमियों का खाना घर से जाता, जब बर्तन वापस आते, हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला ने कि बर्तनों को देखकर मैं समझ जाती थी कि महबूब कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याले में खाना खाया। किसी ने पूछा हजरत आयशा से, कैसे तुझे कैसे पता चल जाता था आपको? फरमाती है वो इतना साफ किया बर्तन होता था, वो इतना चाट लिया होता था कि उसके धोने की जरूरत नहीं रहती थी। अब नबी की सुन्नत है बर्तन को साफ करना चाटना, और अंग्रेज की सुन्नत है कि बोटियां सारी खा जाओ, आलू को एक लकड़ा छोड़ दो। अंग्रेज की सुन्नत पे आज मुसलमान अमल करता है, काफिर पे ईमान की बात अपनाई, काली कमली वाले की सुन्नत को ठुकराया। खाना कितना जाया। अब ये शादियां हैं, अगर कोई फकीर मांगने आ जाए, चल चल अभी तो बारात भी नहीं आई, पहले मांगने आ गया। कोई भीख मांगने आ गई, वन वन जब बारात शादी निकाह थी या नहीं, जन ने अजन खादा नहीं, तू पहले बोकर गिनती घड़ी है। और उनके खाने के साथ साथ इतना बर्बाद होता है खाना, इतना बर्बाद होता है। हदीस पाक में आता है रिज्क की बेअदबी करने से रिज्क में कमी आती है। अल्लाह की अता करदा रोजी की बेअदबी ना करो, उसकी कदर करो। इसीलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा करके खाना खाओ, जो भोरे गिरे हैं पैरों के नीचे ना मिलो, रिज़्क में दुआ करेगा, बल्कि उन भोरों को उठाकर कीड़ियों के मकौड़ों के सुराख पे डाल दो, एक रिज़्क की हिफाजत होगी, दूसरे मखलूक खाएगी, कीड़ी खाएंगी, तुझे दुआएं देंगी। हजरत बहलोल रहमतुल्ला अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, हारून रशीद का जमाना है, हारून रशीद की बेगम सुबैदा बड़ी मुकद्दरों वाली थी, बड़ी नेक माई थी। उसने ख्वाब देखा, सपना देखा कि जंगल के शेर गिद्दड़ जानवर आते हैं और मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। डर गई, खौफ खाया, रोई, या अल्लाह मैं इतनी बुरी हो जाऊंगी कि जानवर भी मेरी साथ बुरा करेंगे। रोती रोती अल्लाह वाले की खिदमत में पहुंची कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है। शुक्र है उस जमाने में फालनामा नहीं था, नहीं तो घर बह के खोल गिनने आ बसा बिच बिक देना कि जेड़ा ख्वाब देखो उवे ले ताबीर मालूम करो। तकदीर का पता करना होवे अखियां नुट के उंगल रखो तो तकदीर का पता लगवे। बेगम सुबैदा हारून और रशीद की घरवाली अल्लाह वाले की खिदमत में आई, रो रही है रो रही है। क्यों रो रही हो? कहने लगी ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा, सपना देखा, जंगल के बड़े बड़े मुझी जानवर चील फाड़ कर भेड़िए बघियाल शेर सारे आते हैं, मेरे साथ बुरा काम करके जाते हैं। अल्लाह वाले ने आवाज दी, मुबारक हो, तू कोई ऐसा काम करेगी जिससे जंगल के जानवरों को भी फायदा पहुंचेगा। चुनाचे बेगम सुबैदा ने नहर सुबैदा बनाई, मक्के में, मदीने में, अरफात में, मीना में, मुजदलफा में, सब जगह नहर सुबैदा फैली। करोड़ों इंसानों ने पानी पिया, परिंदों ने, चरिंदों ने, दरिंदों ने पानी पिया। तो बेगम सुबैदा हारून रशीद की घरवाली हजरत बहलोल के पास चली गई, दरिया के किनारे बैठा था अल्लाह वाला।
देखो लोग हमें कहते हैं कि ये वलियों को नहीं मानते, वो बदबख्तों वलियों को तो मानते हैं, ठगों को नहीं मानते, डाकुओं को नहीं मानते, कौन कहता है वलियों को नहीं मानते। हम उसको नहीं मानते, न दाढ़ी न मूंछ, सफा बिल्कुल गोंगड़ू बना वजड़ा है ना, हाँ, न नीति न कदा कीती, सानू ये पीर वारा नहीं खांदा। जो नमाज ना पढ़े, जिसकी शक्ल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं, जिसकी शक्ल सिद्दीक से ना मिले, जिसकी शक्ल अली के मुर्तजा से ना मिले, जिसकी शक्ल हुसैन से ना मिले, जिसकी शक्ल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से मिले, वो चमकीर थी सकता है, पीर नहीं थी सकता, वो चमकीर है। जुबैदा गई बहलोल से पूछा, क्या कर रहे हो? लगा जन्नत बेच रहा हूं, बहिष्ट बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कितने की? 500। जुबैदा ने 500 दे दिए, बहलोल ने लिए और दरिया में फेंक दिए। जुबैदा कहने लगी हाय 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 हाय। उन्होंने कहा क्यों? पैसे दरिया में फेंक दिए, न तेरे काम आए, न मेरे, न किसी के काम आए। उसने कहा व्यापार की बात है, कारोबार है, मेरा माल है तेरा तो नहीं, जन्नत तेरी हो गई, वर्दी मेरी हो गई, मेरी वर्दी। एहतराम था, लोग बकवास नहीं किया करते थे उस जमाने में। आजकल तो औलाद मां बाप से हया नहीं करती, औरत खामिन से हया नहीं करती, शागिर्द उस्ताद का हया नहीं करता, मुरीद अपने पीर का हया नहीं करता। चली गई, जाके सो गई, खाम में देखा कि बहुत आला दर्जे का गुलशन है, बगीचा है, शानदार महल है। पूछा ये क्या चीज है? जवाब मिला ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। अगले दिन फिर पहुंची, बहलोल वहीं बैठे हैं, पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत बेच रहा हूं। कितने की? कि 5000 की। उन्होंने कहा तोबा तोबा, इतना महंगा हो गया एक दिन में। उन्हें पूछा बहलोल मंडी में माल नहीं रहा या खरीदार ज्यादा आ गए? भी महंगा होने की दो ही सूरतें हैं ना, या माल मुक बन जाए या खरीदार ढेर आ बन जाए, या माल खत्म हो जाए या खरीदार ज्यादा आ जाए। उन्होंने कहा बहलोल बहुत महंगी हो गई एक रात में जन्नत। उन्होंने कहा जुबैदा कल मेरी जुबान पे यकीन करके खरीदी थी, आज जन्नत देख के आई है। कल मेरी जुबान पे यकीन किया था, आज आंखों से देख कर आई है, आंखों के देखने ने महंगा कर दिया। उसने फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो कल खरीद तो लिया ज्यादा जन्नत को, आप क्या करेंगे, किराए पे थोड़ी देनी है जन्नत, कुछ तो साढ़े बिचो हो गया ना, तो आख्या चल जितनी मर्जी आवे महंगी कर, असा तो अपनी गिद्दी खड़े हैं, जितनी मर्जी आवे महंगी कर दो। जुबैदा ने 5000 दिए और उसके हवाले कर दिए, बहलोल ने लेकर फिर दरिया में फेंक दिए। फिर जुबैदा को तकलीफ हुई, उसने कहा ये क्या किया तुमने? फरमाया कमली तुझे पता नहीं, इस अगले इलाके में कहत पड़ा हुआ है, लोग मर्द औरत बच्चे भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। मैं जो ये पैसे फेंकता हूं, मछलियां अपने मुंह में लेकर पानी के बहाव के साथ साथ चलती हैं, आगे भूखे लोगों ने कांटे लगा रखे हैं, जाल लगाए हुए हैं, वो मछलियां पकड़ लेते हैं। इनका जब पेट चाक करते हैं, अंदर से आटे के पैसे निकल आते हैं, वो भूखे रोटी खाकर तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ करते हैं। मखलूक का भला मनाना सबसे बड़ी इबादत है। आज यही चीज तो मुसलमान से छूट गई कि वो सिर्फ अपनी पेट परस्ती करता है, अपनी गरज परस्ती करता है, अपनी नफ्स परस्ती करता है, इंसानियत के मकाम पर नहीं सोचता कि दूसरा भी मेरे जैसा इंसान है, इसके भी पहलू में दिल है, इसको भी पेट लगा हुआ है, इसके भी बाल बच्चे हैं, इसकी मजबूत अपना सब कुछ सामने है हर आदमी।
इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया कि तुम कलमा पढ़ के जन्नत के ठेकेदार ना बनो। जन्नत बड़ी औखी है, जन्नत की कीमत पूछनी हो बिलाल से पूछ के आ, जन्नत की कीमत जनीरा से पूछ के आ जिसकी आंखें निकाल दी गई, अबू फकीहा से पूछ के आ जिसकी पसलियां तोड़ दी गई। इसलिए मैंने ये उन्वान अर्ज कर दिया कि छड़ा कलमा काफी नहीं, बल्कि कलमे वाली जिंदगी बनानी पड़ेगी, कलमे के मुताबिक अपने आप को चलाना पड़ेगा। नमाज आएगी, रोजा आएगा, जकात आएगी, हज आएगा, शिरक छोड़ना पड़ेगा, बिदअत छोड़नी पड़ेगी, लघवियात और बकवासात से परहेज करना पड़ेगा, हराम खाना नहीं छोड़ना पड़ेगा, हराम पीना छोड़ना पड़ेगा, हराम देखने की इजाजत नहीं, हराम सुनने की इजाजत नहीं, हराम पकड़ने की इजाजत नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ऐलान करते हैं कि मैं भी तो देखता हूं कि कलमा इसने जुबान की नोक से पढ़ा या दिल से पढ़ा। अगर दिल से पढ़ा तो ये सारी चीजों की परहेजगारी करेगा, मानेगा, हिदायत याफ्ता बनकर के जाएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको सच्चा पक्का कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और कलमे वाली जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए और मरते वक्त भी कलमे और ईमान की दौलत नसीब फरमाए। वआखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। يا الله سب مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, یا الہ العالمین سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما, سب کے مشکلوں کو آسان فرما। कई साथियों ने कहा बीमार हैं, मरीज हैं, ये मोहम्मद यासीन भी कहता था, अल्लाह पाक सब के दुख दर्दों को दूर फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा, सब के रोजी रिजक में वसात बरकत अता फरमा, सब के कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह नुकसान से बचा, हादसात से बचा, परेशानियों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह फसलों के अंदर खैर बरकत अता फरमा, सारी उम्मत को खैर बरकत अता फरमा, सारे मुल्क को खैर बरकत अता फरमा, पूरी आलम इस्लाम को अपनी मेहरबानियों से नवाज दे, सब पे करम का मामला फरमा। जितने मुसलमान दुनिया से चले गए सब की कब्रों पे करम फरमा, सब की मगफिरत फरमा। शक्कर का एक दोस्त मोहम्मद रमजान अब्दुस्सलाम का सांडू दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला उस मरहूम की मगफिरत फरमाए, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उसकी बेवा की इज्जत की हिफाजत फरमाए, उसके बच्चों की कफालत फरमाए। या इलाहुल आलमीन सारी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब की झोलियां भर दे, तमाम को हज बैतुल्ला नसीब फरमा, सब को रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब फरमा। जो लोग इस मस्जिद की, मदरसे के, मेरे पूरे मुल्क में यहां पर खिदमत गुजार है, खिदमत करते, अल्लाह ताला करोड़ों गुना खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह पढ़ने पढ़ाने वालों को इखलास की दौलत से माला माल फरमा, जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं अमल की तौफीक अता फरमा, इल्म की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीब ही मोहम्मद वाली वसहाबी अजमाइन। मौलाना करीम मदनी साहब मुल्तान वाले 11486 को मदनी जामा मस्जिद शहर राशिद बावलपुर रोड से खिताब फरमा रहे थे। गया है बरी होने की रात, निजात पाने की रात, रिहाई पाने की रात, जो कुरान करीम ने बरकत वाली रात फरमाया और हदीस पाक में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा फरमाया लोगों जब शाबान की 15वीं रात आए रात का क़याम करो, रात को इबादत करो, वसूमों नहारा 15वीं तारीख का रोजा रखो, एक रोजी का सवाब इस कदर मिलेगा जो है साल भर के रोजे रख लिए। बुजुर्ग गुरु साहब ने सरहंगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस रात में
करम रहमत की बारिश बरसाने के लिए बादल बन के आ जाता है। बस अब से लेकर ईद उल फितर तक बारिश ही बारिश है रहमत खुदाबंदी की। कभी सब्र कदर आ गई, कभी लैलतुल मुबारक आ गई, कभी लैलतुल कदर आ गई, रमजान की रातें आ गई, जुमे की रात आ गई और किस्सा चल पड़ता है। ईसा की नाम मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये वो रात है, शाबान की 15वीं रात, सूरज गुरूब होने के फौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला की जात अकदस, उसका जलाल, उसके अनवार अरब से चलकर आसमान दुनिया की तशरीफ ले आते हैं। गोया रब्बुल आलमीन की रहमत और करीमी, उसकी बंदा नवाजी, उसकी मेहरबानी की बारिश शुरू हो जाती है। और कितनी बड़ी बात है, इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक जल्ले शानहु शाम को इस रात में आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं और सारी रात निदा करते हैं, आलमीन मुस्तग़फ़िरीन, कोई है बख्शिश मांगने वाला, आज उसको माफ कर दो। कोई है जिसकी रोजी में कमी हो, जिसकी रोजी में तंगी हो, जिसके कारोबार में तंगी हो, जो परेशान हाल हो, परमात्मा आवाज आती है, मेरे बंदे जिसको सारी दुनिया ने जवाब दे दिया, आ जाओ मेरा दरवाजा खुला है। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير। बरकत उसी के नाम में है, रहमत उसी के नाम में है, जिसका सारे मुल्क में राज है और वो हर चीज में कादिर है। अंदाजा लगा, बंदे सोए हो गए हैं, बंदे खर्राटे मार रहे हैं, बंदे ढकार मार रहे हैं और परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन के साथ सारी रात निदा दे, है कोई बीमार जिसको सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, सारे हकीमों तबीबों ने जवाब दे दिया हो, घर वाले मायूस हो गए हो, है कोई ऐसा बीमार जिसको सब ने जवाब दे दिया हो, आज मांगे मैं तंदुरुस्ती अता कर दूं। सारी रात निगाह आती है, सारी रात परवरदिगार आलम आवाज लगाते हैं, कोई बेअलाद जिसको न मिली हो, आज मांगे मैं झोली भर दूं, है कोई जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं, मुझे पुकारे मैं उसका सहारा बनता हूं। तमाम वरीदा सहाल कई बाबी अमी कई करी, अजीब गायत गाय इरादा
فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. تولي رشتے داروں کو بلا، تولی یاروں کو بلا، تولی عزیزوں کو بلا، ان کے پاس گا، بڑی بڑی چوکری زبان سے باتیں کی، بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی، اور میرے بندے ایک دن کہا گھر میرا سر تیرا، گھر میرا دل تیرا. آتے صحیح دامن پھیلا کے دیکھ، تیری جیل کم ہو سکتی ہے، میرا خزانہ کم نہیں ہو سکتا. لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا. جہان کا داتا ہمارا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا. او بے سہارا لوگوں، او غریب لوگوں، او بے کش لوگوں، او بے بس لوگوں، آؤ میرے دروازے کے سر جھکاؤ، میں تمہاری ساری ڈگری بلانے کو تیار ہوں. فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک نگاہ فرماتے ہیں، اے کوئی اپنی آخرت کو، آخرت کا طلبگار آواز آتی ہے، کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار، میں آج دریا کرم میں گوتا دے کے معاف کر جاؤں. اے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، نسخ و فجور میں ڈوبا ہوا، آج مانگے میں جنت حوالے کر کے جاؤں.